टू फार्मेसी इंडिया लाइव। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टी फार्म फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है सोशल फार्मेसी, उसमें हम चैप्टर नंबर थर्ड पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर थर्ड में आज हम पार्ट फोर पढ़ेंगे, जहां पर हम पढ़ेंगे फूड एडिटिव्स के बारे में, फूड एडल्ट्रेशन के बारे में, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के बारे में, डायटरी सप्लीमेंट्स के बारे में और साथ ही साथ न्यूट्रास्यूटिकल्स। जो राइपनिंग है उसमें हम राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के साथ साथ आर्टिफिशियल राइपनिंग के बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो उससे पहले आप हमारे चैनल फार्मेसी इंडिया लाइव पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9389516306। इसको सेव कीजिए, सेव करने के बाद आप हमें टाइप कर भेज दीजिए डीपी इंडिया कैपिटल लेटर्स में। आप तक लेटेस्ट फार्मा अपडेट्स पहुंचते रहेंगे, चाहे वो आपकी जॉब से रिलेटेड है या फिर वो आपकी अकेडमिक से रिलेटेड है। साथ ही साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारी एप्लीकेशन यानी कि प्ले स्टोर से फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप हमसे जुड़ जाएंगे, हमसे कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज फूड एडिटिव्स। फूड एडिटिव्स क्या होते हैं? ये लीगली परमिशन इनको मिली हुई है कि हम इन सब्सटेंसेस को, इन पदार्थों को अपने खाने को और इंप्रूव करने के लिए हम इनको ऐड कर सकते हैं। जैसे उसको दिखना कैसा है, अपीयरेंस हम इंप्रूव कर सकते हैं, फ्लेवर इंप्रूव करने के लिए, कलर को इंप्रूव करने के लिए, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू या स्टोरेज प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए हम इन फूड एडिटिव्स को यूज कर सकते हैं। ये होते हैं दो टाइप्स के। पहला डायरेक्ट, जिसे आप कहते हैं फर्स्ट कैटेगरी एडिटिव्स, यानी कि ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो डेलिबरेटली एड किए जाते हैं किसमें, फूड में। और नेक्स्ट आते हैं इनडायरेक्ट, जिन्हें आप कहते हैं सेकेंड कैटेगरी एडिटिव्स। तो ये वो सब्सटेंसेस हैं जो अपना खुद से रास्ता बना लेते हैं एक फूड के अंदर जाने में। कब? जब उनका एक कोर्स हो रहा होता है, जैसे हैंडलिंग है, पैकेजिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल जैसे बीएचसी होता है, डॉट होता है, आर्सेनिक होता है, लेड होता है और रोडेंटिसाइड्स होते हैं एक्सेट्रा। ये सब अपने आप से ही, खुद से ही इनडायरेक्टली चले जाते हैं हमारे खाने में। अब बात करते हैं कि हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं फूड एडिटिव्स के। तो हार्मफुल इफेक्ट्स में सबसे पहला आता है, आपने नाम सुना होगा टार्ट्राजिन का। ये क्या काम करता है? ये अस्थमा और रैशेस और जो एक माइग्रेन होता है उसको राइज कर देता है हमारी बॉडी में। बेंजोइक एसिड कॉज करता है क्या? न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो आते हैं। और ऐसे ही रोडामाइन जो होता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है ट्यूमर्स के लिए जो हमारे लंग्स में या ब्रेस्ट में या ओवरी में हो जाते हैं। इसी तरीके से जो बीएचसी और जो आर्सेनिक लेड है, इनसे क्या होता है, इनकी पॉइजनिंग हो जाती है। आपने नाम सुना होगा लेड पॉइजनिंग, बीएचसी पॉइजनिंग, आर्सेनिक पॉइजनिंग। ऐसे ही जो नाइट्राइट है, ये रेस्पॉन्सिबल है किसको, कार्सोजेनिक एक्टिविटीज के लिए, जिनसे हमें कैंसर हो सकता है, जो बहुत डेंजरस एक्टिविटीज प्रोड्यूस कर देते हैं। ऐसे ही मोनोसोडियम, आपने नाम सुना होगा मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो प्रोड्यूस करता है क्या, डिजीनेस और बर्निंग सेंसेशंस और साथ ही साथ चेस्ट टाइटनेस, यही प्रोड्यूस करता है। अब बात करते हैं फूड अडल्ट्रेशन की। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट, यानी कि जब हमारे खाने में मिलावट आ जाती है, कंटामिनेशन हो जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे फूड मटेरियल्स में, उसे हम फूड अडल्ट्रेशन कहते हैं। कैसे? इसके अंदर हम कुछ ऐसे सब्सटेंस डाल देते हैं जो कि बेसिकली एक लीगल भी नहीं होते हैं और तो उसके बावजूद भी हमने उन्हें अपने खाने के मटेरियल में डाल दिया, उसे हम कहते हैं अडल्ट्रेंट्स। इसी तरीके से फूड अडल्ट्रेंट्स की अगर मैं बात करूं तो ये नॉन लीगली परमिटेड सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे खाने के अंदर ऐड कर दिए जाते हैं डिसऑनेस्टली कमर्शियल गेन के लिए, यानी कि एक इंसानियत भाव नहीं होता है, बस अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए हम इसे कर देते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, एक वर्थलेस इंफीरियर या स्पूरियस सब्सटेंसेस जो होते हैं, या फिर दूसरा जो प्रोहिबिटेड एडिटिव्स होते हैं जिनको हमें इस्तेमाल ही नहीं करना है, जो बैन है एक तरीके से हमारे खाने के अंदर, वो भी डाल दिए जाते हैं। अब बात आती है कि हैजार्ड्स क्या हो सकता है फूड एडल्ट्रेशन का, यानी कि नुकसान, या हम ये कहें इनडायरेक्टली कि दिक्कत क्या क्या हो सकती है। सबसे पहला एपिडेमिक ड्रॉपसी हो सकता है, ऐसे ही पॉइजनिंग हो सकती है लेड से या जो हमारे क्रोमेटाइज एक्सेट्रा इनसे। इसी तरीके से जेस्ट्राइटिड कंडीशन हो सकती है, जो एक इंजेशन हो जाता है हमारे किसका, कॉपर का या बाइकार्बोनेट का। और साथ ही साथ जो टेस्टिकुलर डैमेज हो सकता है वो भी हो जाता है, कब, जब मेटरनल येलो हो जाता है उसकी वजह से। अब आगे बात करते हैं कि आर्टिफिशियल राइपनिंग क्या होती है फ्रूट्स की। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो फ्रूट्स हैं ये बहुत नेसेसरी पार्ट प्ले करते हैं हमारे खाने में, ठीक है, हमारे
एक डाइट में इसी तरीके से ये क्या काम करते हैं कि कुछ लोगों को ये प्रोटेक्ट भी करते हैं बीमारियों से, इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं, लोगों के हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने में और आसान हो जाता है जब हम फ्रूट्स का सेवन करते हैं। जनरली हम ये कह सकते हैं कि लोग बात जो है राइट फ्रूट्स को प्रिफर करते हैं। अब जो राइपनिंग है ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर फूड जो है बेसिकली क्या काम करता है कि वो बहुत पैलेटेबल बन जाता है, यानी कि हम ठीक से उसे खा सकते हैं, उसकी जो अंदर से की उसकी एक एक्टिविटीज है वो और ज्यादा अच्छी हो जाती है। इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रूट है वो बहुत मीठा हो जाता है, स्वीटर हो जाता है, हल्का ग्रीन होने लगता है, लेस ग्रीन होता है, ऐसे ही सॉफ्टर हो जाता है जैसे ही वो राइपन होता है। लेकिन अगर राइपनिंग को हमें उसके अंदर चेंज करना है, एक जल्दी या रैपिड राइपनिंग हमें करनी है, तो उस प्रोसेस को हम आर्टिफिशियल राइपनिंग कहते हैं। एक जल्दी से और एक बहुत कंसिस्टेंट राइपनिंग अगर हमें चाहिए तो वो एक आर्टिफिशियल राइपनिंग की वजह से ही हो सकती है। आर्टिफिशियल राइपनिंग से होता क्या है, ये बेसिकली कंट्रोल की जा सकती है और डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है बेसिकली हम अगर उसके ऊपर कंट्रोल कर लें उसके वेरियस पैरामीटर्स पे तो ये और भी अच्छी हो सकती है। लेकिन होता क्या है, इसका उल्टा ही होता है। आर्टिफिशियल राइपनिंग जो है बेसिकली एक फास्टर और एक यूनिफॉर्म राइपनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करती है अगर सही तरीके से करी जाए। अब बात करते हैं पेस्टिसाइड्स की। पेस्टिसाइड ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं या ऐसे पदार्थ ये मिक्सचर होते हैं जो बेसिकली जो पेस्ट होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, उनसे बचाने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम जो है पेस्टिसाइड यूज करते हैं। ये ऐसे सब्सटेंसेस और मिक्सचर हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं कैसे, एक प्लांट रेगुलेटर के तौर पर, साथ ही साथ एक डेसिकेंट के तौर पर, जिससे कि हम जो है अनवांटेड जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं उनको हम मार सकें। पेस्टिसाइड जो है बेसिकली एक जनरल टर्म यूज किया जाता है इंसेक्टिसाइड्स, ऐसे ही आपने सुना होगा एकासीसाइड्स या रोडेंटिसाइड्स सुने होंगे, मोलस्किसाइड्स सुना होगा, हर्बिसाइड्स सुना होगा, फंगिसाइड्स, सिमिलरली ये ऐसे ही सब एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। अब बात आती है इंसेक्टिसाइड्स यानी कि जो इंसेक्ट्स को मारने में काम आते हैं, कहां पर, हमारी क्रॉप्स में, हमारी फसल में। तो ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस ग्रुप होते हैं जैसे मेलाथायोन होता है, इसी तरीके से ऑर्गेनोक्लोरीन ग्रुप भी होता है जो नाम होता है डीडीटी। डीडीटी का मतलब डाइक्लोरोडिफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, इसी तरीके से जो कार्बोनेट ग्रुप होता है जैसे कि कार्बाराइल, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिकली इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स। अब बात करते हैं कि यूज क्या क्या होते हैं पेस्टिसाइड्स के। सबसे पहला जो पेस्टिसाइड है ये मदद करती है हमारी किसमें, एक जो डिजीजेस होती है जैसे मलेरिया या टाइफस हो जाता है, और साथ ही साथ ये बूस्ट करने में भी हेल्प करती है हमारी क्रॉप प्रोडक्शन को, तो वहां पर हम पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। इसी तरीके से 0.1% जो हमारा एक टोटल इंसेक्ट्स है वो बहुत ज्यादातर हार्मफुल होते हैं, ठीक है, और इनके एलिमिनेशन के लिए बहुत जरूरी है कि हम जो एक हमारा एक इंटरेस्ट जो है गुड प्रोडक्शन का, हमारे एक पब्लिक हेल्थ अच्छी हो सके और एक गुड प्रोडक्शन हो सके हमारी उसका क्रॉप का, तो उसके लिए हमें ये बहुत जरूरी होते हैं कौन, पेस्टिसाइड। साथ ही साथ जो हर्बिसाइड्स होते हैं सबसे ज्यादातर यूज किए जाते हैं एग्रीकल्चर में वीड कंट्रोल, यानी जो अनवांटेड इंसेक्ट्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, बेसिकली अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं उनको खत्म करने के लिए हम हर्बिसाइड्स यूज करते हैं। अब बात करते हैं पेस्टिसाइड पॉइजनिंग की, कि पेस्टिसाइड पॉइजनिंग क्या होती है, क्या होता है बेसिकली जब हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, किस चीज के लिए, एक प्लांट प्रोटेक्शन के लिए, कि जो हमारी एक बूस्ट हो सके क्या प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन। साथ ही साथ इसके अलग-अलग हम बात करें तो जो ऑक्यूपेशनल हजार्ड होता है इससे पूरे वर्ल्ड के अंदर जो डेवलप हो रहा है वो होता जा रहा है, और पॉइजनिंग जो है बेसिकली एक सीरियस थ्रेट बनती जा रही है ह्यूमंस के लिए और साथ ही साथ एनिमल लाइफ के लिए भी। जितनी जितनी हमारी डिफरेंट फूड कमोडिटीज हैं जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, ग्राउंड नट हो गया, फिश, मीट या फिर बटर, घी, चीज, इन सब में बेसिकली ये पाया गया है कि इनके अंदर एक गुड अमाउंट होता है पेस्टिसाइड रेसिड्यू का। साथ ही साथ जो एक लेवल है हमारे डीडीटी का वो अगर बॉडी टिश्यूज में एक एवरेज, उसके अगर हम इंडियन की बात करें तो उसके अंदर सबसे ज्यादातर हाइएस्ट है किसमें, वर्ल्ड के अंदर, जो वेरी कर रहा है 12.8 to 31 ppm, ठीक है। इसी तरीके से जो एक एवरेज डाइटरी इनटेक होना चाहिए डीडीटी का वेजिटेरियंस के द्वारा और नॉन वेजिटेरियंस के द्वारा इंडिया के अंदर वो 238.1 and 224.1 है। अगर हम बात करें पर पर्सन पर डे रेस्पेक्टिवली तो बहुत ज्यादा होता जा रहा है पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में। अब बात आती है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स की। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स होते हैं इसको बेसिकली हम कहते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड्स के नाम से भी या बायो इंजीनियर फूड के नाम से भी इनको जाना जाता है।
फूड जहां पर प्रोड्यूस किए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स में, जिनमें हम कुछ चेंजेस कर देते हैं, कैसे, जब उनके अंदर उनके जो डीएनए है उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं, कैसे, जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करके। साथ ही साथ जो मोस्ट कॉमनली जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स हैं वो सबसे ज्यादातर कौन से हैं, कॉर्न है, सोया है, अल्फाला है, कैनोला है, शुगर बीट है और मिल्क है। साथ ही साथ अगर हम बात करें बेनिफिट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि बेनिफिट्स क्या क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग के, तो सबसे पहले आता है कि बहुत ज्यादातर न्यूट्रिशियस फूड कहलाते हैं, टेस्टियर होते हैं, बहुत खाना टेस्टी बन जाता है। तो जो डिजीज या जो एक ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट्स होते हैं बेसिकली, उनके अंदर पानी की बहुत लेस रिक्वायरमेंट होती है और फर्टिलाइजर की भी लेस रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ही पेस्टिसाइड्स का बहुत कम इस्तेमाल होता है और साथ ही साथ जो एक सप्लाई है हमारे फूड की वो बढ़ जाती है और साथ ही साथ जो एक कॉस्ट है या जो एक हमें शेल्फ लाइफ चाहिए वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो जाती है। इसी तरीके से जो प्लांट की ग्रोथ है वो बहुत जल्दी होती है जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करते हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। अब जब किसी के फायदे हैं तो उसके नुकसान भी होंगे, तो यहाँ पर डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, ये बेसिकली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कॉज कर देती है। इसी तरीके से ये जो एक लीगल लायबिलिटी है फार्मर्स की वो जो है बढ़ती चली जाती है। एक जो जीन्स है हमारे बेसिकली वो डिफरेंट प्लांट स्पीशीज में चले जाते हैं एक दूसरे के, तो उससे जाके क्रॉप प्रोडक्शन खराब हो जाता है। इंडिपेंडेंट रिसर्च जो है वो अलाउड नहीं है किसकी, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स की। और कुछ हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स ऐसे हैं जो बेसिकली एक कार्सिनोजेनिक, जो एक कार्सिनोजेनिक एक्टिविटीज प्रोड्यूस करते हैं, तो कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स ऐसे भी हैं। अब बात करते हैं डायट्री सप्लीमेंट्स की, कि डायट्री सप्लीमेंट्स क्या कहते हैं बेसिकली। तो डायट्री सप्लीमेंट है ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे सप्लीमेंट का काम करते हैं, हमारी डाइट को और इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। अगर एक या एक से ज्यादा डायट्री इंग्रेडिएंट होता है, जैसे विटामिन है, मिनरल्स है, हर्ब्स है, या जो दूसरे अदर बोटेनिकल्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं और दूसरे सब्सटेंसेस, तो ये सब इस डायट्री सप्लीमेंट के अंदर आते हैं। जो सप्लीमेंट्स होते हैं इनके लिए बेसिकली हमें एक टेस्टिंग की जरूरत नहीं होती है या ट्रस्ट नहीं चाहिए कि उनकी इफेक्टिवनेस और सेफ्टी के लिए हमें ये सब चाहिएगा। आगे चलें तो जो डायट्री सप्लीमेंट्स होते हैं अगर उनका रेगुलेशन एफडीए के द्वारा हो रहा है लेकिन एक ड्रग्स के तौर पर नहीं, तो वो डायट्री सप्लीमेंट कहलाता है। हाउएवर बहुत से डायट्री सप्लीमेंट ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि बहुत बायोलॉजिकल इफेक्ट्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस करते हैं और एक कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाता है जब एक मेडिसिन आप जो है एक मेडिकल कंडीशन में लेते हैं तो वो दवाई का भी काम कर जाती है, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है। अब बात करें बेनिफिट्स क्या क्या है डायट्री सप्लीमेंट्स के, तो सबसे पहला जो एक हमारा रिस्क होता है किसका, क्रॉनिक एज रिलेटेड डिजीज जो आती है उससे छुटकारा मिल जाता है, उसमें भी रिड्यूस आने लगता है। साथ ही साथ इम्यून सिस्टम जो है बॉडी का वो सुधरने लगता है। इसी तरीके से जो सिम्टम्स है हमारे नॉन डेफिशिएंसी डिजीज जैसे क्लिनिकल डिप्रेशन होता है उसको भी रिड्यूस करता है, उसके सिम्टम्स भी कम करता है और साथ ही साथ जो एक एथलेटिक परफॉर्मेंस है उसे भी फैसिलिटेट करने में मदद करता है। अब बात करते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स की। अगर मैं बात करूं स्टीफन डेफिलेस की, स्टीफन डेफिलाइस की, तो इन्होंने डिस्कवर किया था एक टर्म जिसे आप आज जानते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स। इन्होंने डिफाइन किया था न्यूट्रास्यूटिकल को कि ये फूड है या फिर उस फूड का एक पार्ट है जो कि आपको एक मेडिकल और साथ ही साथ एक हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा और जिसके अंदर प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट होगा पर्टिकुलर डिजीज का, उन्हें आप न्यूट्रास्यूटिकल्स के नाम से जानेंगे। यानी कि ये ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो मेडिकली और साथ ही साथ जो एक हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिट्स हो सकते हैं, हेल्थ बेनिफिट जो होते हैं वो प्रोड्यूस करेगा, प्रिवेंशन भी करेगा डिजीज का, उसका ट्रीटमेंट भी करेगा। एग्जांपल की बात करें न्यूट्रास्यूटिकल्स के तो इसके अंदर आते हैं हमारे फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क है और साथ ही साथ सिट्रस फ्रूट जैसे आपने सुना होगा ऑरेंज जूस, ये हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं। अब बात करें क्लासिफिकेशन क्या कहता है न्यूट्रास्यूटिकल्स का, तो सबसे पहला इन प्रोडक्ट्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज पे इनको क्लासिफाई किया जा सकता है, फार्माकोलॉजिकल कंडीशन में क्लासिफाई किया जा सकता है और साथ ही साथ इनको हम एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं इनके प्रोडक्ट्स के उसके बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। अब बात करें तो जनरली जो हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं उनको हमने फोर ग्रुप्स में बांटा हुआ है, फोर ग्रुप्स में इनको हमने जनरली
कैटराइज किया है, जैसे डायट्री सप्लीमेंट्स में आते हैं, फंक्शनल फूड में आते हैं, इसी तरीके से मेडिसिनल फूड के अंदर भी काउंट करते हैं इनको हम, और ये फार्मास्यूटिकल्स के अंदर भी आते हैं। अब बात करें डायट्री सप्लीमेंट्स की, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं प्रोडक्ट को जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे फूड प्रोडक्ट से डिराइव हुए होते हैं, और इनकी जो कंसंट्रेटेड होती है, जो कंसंट्रेशन होती है इनकी, वो लिक्विड्स में, कैप्सूल्स में, पाउडर्स में या फिर पिल फॉर्म में अवेलेबल होती है। अब बात करते हैं फंक्शनल फूड, इसके अंदर जो हमारा फूड होता है या साथ ही साथ जो हमारा फोर्टिफाइड फूड होते हैं जो एनरिच या एक एनहेंस डाइटरी कंपोनेंट का काम करते हैं, वो इसके अंदर रिड्यूस, इसके अंदर रिड्यूस किए जाते हैं, जो क्या काम करते हैं, जो क्रोनिक डिजीज होती हैं या जो बेसिकली हमारे ट्रेडिशनल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो बेसिकली अगर मैं बात करूं क्रोनिक डिजीज को रिड्यूस करने में ये हेल्प करते हैं। अब बात करें मेडिकल फूड की, तो मेडिकल फूड की जो एक फॉर्मुलेशन है बेसिकली वो इसलिए कंज्यूम की जाती है या एडमिनिस्टर की जाती है इंटरनली एक अंडर द सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो उसे एक मेडिकल फूड के तौर पर दिया जा सकता है। इसे बेसिकली यूज इसलिए किया जाता है, कुछ स्पेसिफिक डायटरी मैनेजमेंट ऐसा होता है डिजीज का जो बहुत जरूरी होता है, अगर उसे न्यूट्रिशन प्रॉपर मिले तो वो तभी ठीक हो पाता है, लेकिन मेडिकल फूड तभी देना चाहिए जब एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर के सुपरविजन में ये काम हो रहा है। नेक्स्ट आता है फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स का मतलब इनके मेडिकली वैल्यूएबल कंपोनेंट्स जो होते हैं बेसिकली वो प्रोड्यूस करते हैं कैसे, जब मॉडिफाइड एग्रीकल्चरल क्रॉप्स होती हैं, एनिमल्स होते हैं, उनसे जब ये बने हुए होते हैं। एक जो टर्म है इस कॉम्बिनेशन का, इसके अंदर जो वर्ड आता है फार्म और फार्मास्यूटिकल्स, ये इससे बना हुआ होता है। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये था पूरा हमारा न्यूट्रास्यूटिकल्स। अब बात करते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स की, तो जो हेल्थ ये प्रोडक्ट्स होते हैं यानी कि न्यूट्रास्यूटिकल्स, ये बेसिकली इनके अंदर एक आपने टर्म सुना होगा प्लेथोरा या थलोरा, जो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है हमारा बेसिकली वो इसके अंदर होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट डिफेंसेस का काम करते हैं, ये सेल प्रोलिफरेशन का काम करते हैं, और साथ ही साथ जो जीन एक्सप्रेशन होता है या एक जो सेफ गार्डिंग होती है किसकी, माइटोकॉन्ड्रियल इंटीग्रिटी की, उसमें हेल्प करते हैं। अब बात करें न्यूट्रास्यूटिकल्स को हम यूज कर सकते हैं कहां कहां पर, बेसिकली एक हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्रोनिक डिजीज से बचने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, एजिंग प्रोसेस को पोस्टपोन करने में हेल्प कर सकते हैं, एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल जो है बेसिकली वो कंसिडर किए जाते हैं इसलिए टू बी हेल्दी सोर्सेस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस, जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस होती हैं उनसे बचने के लिए भी हम न्यूट्रास्यूटिकल्स को कंसिडर करते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा डायबिटीज या रीनल, या आपने नाम सुना होगा जेस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, तो इन सब से बचने के लिए और भी अदर इंफेक्शंस हैं वहां पर हम न्यूट्रास्यूटिकल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं ड्रग फूड इंटरेक्शंस की, कि ड्रग फूड इंटरेक्शन क्या होता है। जब भी कोई फूड या कोई बेवरेज आप एक ऐसा ले लेते हैं जो ड्रग के इफेक्ट को ऑल्टर कर देता है, उसे हम कहते हैं ड्रग फूड इंटरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टेटिंस ऐसे आते हैं जिनको आप कोलेस्ट्रॉल को ट्रीट करने के लिए लेते हैं और वो इंटरेक्ट कर सकते हैं ग्रेप फ्रूट जूस के साथ, तो उसे हम कहते हैं एक हमारा ड्रग फूड इंटरेक्शन। साथ ही साथ एक पर्सन है ऐसा जो बेसिकली स्टेटिंस को ड्रिंक करता है ग्रेप फ्रूट के साथ, ग्रेप फ्रूट जूस जो है उसके साथ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो ड्रग है हमारा वो बॉडी के अंदर ही रह जाएगा, और साथ साथ क्या होगा, एक जो रिस्क है उसके लीवर डैमेज का या किडनी फेलियर के वो चांसेस बढ़ जाएंगे, किडनी फेलियर के चांसेस उसके बढ़ जाएंगे अगर वो ग्रेप फ्रूट जूस के साथ अगर इन स्टैटिंस को लेता है। ऐसे ही अदर एग्जांपल्स हैं हमारे ड्रग फूड इंटरेक्शंस के, वो ये हैं वारफरिन और विटामिन के, इनके इंटरेक्शंस आ जाते हैं, इंसुलिन, ओरल डायबिटिक एजेंट्स और अल्कोहल, इनका ड्रग फूड इंटरेक्शन हो जाता है, डिजॉक्सिन हाई फाइबर डाइट्स और हर्ब्स के साथ आता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और ग्रेप फ्रूट, इनके इंटरेक्शन होते हैं, इरेक्टाइल डिसइंफेक्शन ड्रग्स और साथ साथ ग्रेप फ्रूट जूस, इनके ड्रग फूड इंटरेक्शन आते हैं, एंटीबायोटिक्स और डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सब के आपने सुना होगा ड्रग फूड इंटरेक्शन, तो ये सब होते हैं हमारे ड्रग फूड इंटरेक्शन जिससे हमें बचना होता है। ये था पूरा लेक्चर हमारा जहां पर हमने डाइटरी सप्लीमेंट्स के बारे में पढ़ा, हमने फूड अल्टरेशन के बारे में पढ़ा, फूड एडिटिव्स के बारे में पढ़ा, और साथ साथ हमने आर्टिफिशियल राइटनिंग के बारे में पढ़ा, ड्रग फूड इंटरेक्शन के बारे में भी पढ़ा। होपफुली आपको इस लेक्चर में सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे और आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरीके की मोर अपडेट्स के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ, क्योंकि डरने की है क्या बात जब फार्मेसी इंडिया लाइव है आपके साथ।